अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 33वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आज माल रोड स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई। इस बैठक में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान बैंक प्रबंध निदेशक पीसी तिवारी ने बैंक के बारे में जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि बैंक का कार्य व्यवसाय 5000 करोड़ से अधिक हो गया है और शाखाओं की संख्या भी 60 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक का कुल व्यवसाय 5147.53 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 3738.59 लाख रुपए रहा। बैंक ने अंशधारकों को 10% लाभांश देने का निर्णय लिया है और 2025 तक 6000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं बैंक आने वाले समय में मोबाइल बैंकिंग से ग्राहकों को जोड़ेगा। वो 5000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और 60 शाखाएं खुल चुकी हैं। इस साल हमने 10 शाखाएं और खोली और हमारा विचार ये है कि इन 2 से 3 सालों के अंतर्गत हम बैंक की 100 ब्रांचें पूरी करेंगे और बैंक को कम से कम 1000 लोगों से ऊपर लोगों को रोज़गार देंगे। और यहाँ तक कि हमने कोशिश ये है कि हम छोटे 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 जो उद्यमी हैं उनको ज़्यादा सहयोग दें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो सभी लोन देते हैं छोटे छोटे, और हमने दिया भी है। आप अलमड़ में देखिए, पान वाला हो या कोई वो बनाता हो, चाबी बनाने वाला हो, हमने सबको लोन दिया है। और हमने यही ब्रांचों में भी किया है कि हम छोटे छोटे जो उद्यम को बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोज़गार देने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी हम अब मल्टी स्टेट बनने की भी कोशिश करेंगे और अन्य जो भी सुविधाएं हैं बैंकिंग संबंधी हम पूर्ति करेंगे। वहीं इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बैंक छोटे मोटे उद्यमियों को लोन दे रहा है, जिससे इन लोगों को उद्योग स्थापित करने में मदद मिल रही है। साथ ही बैंक का लक्ष्य कुछ सालों में बैंक की शाखाओं की संख्या 100 करने का है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।